नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, तुम देख रहे हो सिटी हलचल। जिदा कि तुम्हें पता ही है कि शहर की हर छोटी बड़ी अपडेट लैके सब तो पहला थोड़े सामने पेश होंगे। तो अज असी पहुंचे हैं जी जिंदा जी बेसहारा चैरिटेबल सोसायटी नंगल, जिथे बेसहारा लोगों की बड़ी चंगी तरह देखभाल ते सेवा की जाती है। कुछ दिन पहले इतने नरगिस नाम की एक लड़की आई सी जो पागल सी, पूरी तरह उन्हें संगलों च बन के रखा जाता सी, लेकिन किसी तरह इस आश्रम च आई। अज लगभग महीने डेढ़ महीने बाद आश्रम वाले की सेवा और उपचार तो बाद नरगिस पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जा रही है। खुशी का माहौल इतने हैगा क्योंकि नरगिस नू पता नहीं सी वो कित्थे दी है, लेकिन जब वो ठीक हुई तो उन्हें अपने घर दा फोन नंबर दसिया। फोन नंबर दसन तो बाद आश्रम के संचालक अशोक सचदेव और पिंकी सचदेव ने उन्होंने संपर्क किया। तो अजो परिवार तो पिंड का जोड़ा प्रधान है वो इतने पहुंचे लैन वास्ते। गल कराने नरगिस न, नरगिस ने की क्या सुन लो तुम खुद ही। नरगिस बोलो, आप आपकी पहले हालात ठीक नहीं थी? नहीं थी। क्या हुआ था? पागल था। हाँ। आप ठीक हूँ? किसने ठीक किया? अंकल ने, बाबा ने। अब पूरी तरह ठीक है? ठीक हूँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं है। अब आपके घर वाले आए हैं आपको लेने? हाँ, जाएंगे घर पे। कौन आया आपके घर से? सुनील आया, दादाजी आया, चाचा जी आया। हाँ, आपके घर वाले आए हैं? हाँ, घर वाले। पति आए हैं? हाँ जी। खुश है वो भी? खुश हूँ। आप खुश है? खुश हूँ। इस मौके ते की कहा अशोक सचदेवा जेडे इस पूरे आश्रम नु चला दिया, की कहा उन्होंने वो भी सुन लो। सर दसो, जेडी एक थोड़े को कुड़ी आई सी, एक किद्दां दे हालात सी, कित्थों आई सी, कदों आई सी, और तुसीं उपचार कीता ते हुण हालात की है, सारी विस्तार नाल जानकारी। एक कुड़ी साडे कोल सेठी जीरकपुर तो, उन्होंने साडे कोल छड्डी है। ए उन्होंने कहा सानू कि SHO डेराबसी ने सानू दिती है, जिहदी पुलिस रिपोर्ट सानू दिती है, उन्होंने साडे कोल रिकॉर्ड दे विच है। उत्थों ये डेराबसी तो फड़ होई, ये हैगी है जिला हिसार लाड़वा गांव दी। लाड़वा गांव तो हरियाणा तो आई है, उत्थों उखड़ के आ गई। उन्होंने संगल सुंगल पाए, मेंटल सीगी, बहुत ज्यादा मेंटल, पर ऐसी ऐसी जो साडे कोल छड़ के असीं उपचार कीता। इहदा नाम की है? इहदा नरगिस नाम है, मुस्लिम कुड़ी है। तां इहनां इहनूं असीं इलाज कराया कीता, जिवें मर्जी असीं साइकेट्रिक कोल लै गए, जिवें भी करके। सानूं पहलां तां बहुत तंग करदी रही, 5-6 दिन साडी बस कराती सारे आश्रम दी। बाद च थोड़ी नॉर्मल होण लगी, दवाइयां दा असर होण लगा, अज इह बिलकुल ठीक है। फिर उहनूं फोन नंबर याद आया अपणे, जदों नॉर्मल हो गई फिर उन्हें सानूं फोन नंबर दस्या। फिर असीं इहदे ससुराल फोन कीता, इहदे घर फोन कीते, फिर अज उह लैण आए है प्रधान जी। इह प्रधान है उन्हां दे पिंड दे, और बिल्कुल नॉर्मल हैगी है। इह साडे कोल सैको कुड़ी है, वी हैगी इक अनु, इह अनु अनु कुड़ी हैगी, अनु नाम दसदी है, इह हिमाचल तों है। इह कुड़ी उह नरगी उह होर हैगी शबाना, इह देखो शबाना इधर की है, जिहड़ी कि मुस्लिम है। इह साडे आश्रम दे विच जात पात दा वितकरा ना देखदे होए, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन क्रिश्चन, ये सारे अलग अलग जातां और वर्णा तो हैगे है। असीं स्टेशनां तो शैल्टरां तो इन्होंने चुकदे हैं, जिस हालत भी चुकदे हैं, इन नहाते नहीं होंदे दो दो साल तो, इन्हों पता नहीं होंदा, अपनी होश नहीं होंदी, अनंत अपनी मानव जीवन तो खो चुके होंदे है। असीं इन्हों गिरे पे नूं बिल्कुल उठाने हैं, साडी आश्रम दे विच इही सेवा है। 110 बंदे जिहदे विच साडी सेवा कर रहे हैं, साडी मिसिज दा इहदे विच, मेरे घर वाले दा, इधर भाटिया जी दा बहुत ज़्यादा सानूं योगदान है, बहुत ज़्यादा असीं इन्हां दे विच आसान बंदा है। एक कल्ला बंदा नहीं कर सकदा, एक एक हुंदा, 2-11 हुंदे है। तो असीं इह कन्नियां नूं दोनों ठीक करता है, हुण असीं इहनां नूं अज सपुरद करना है, तां असीं कहा वी इहनां नूं इहनां नूं असीं प्रधान। नरगिस है? हांजी। इहदे परिवार दे लोक आए कि सिर्फ प्रधान लै? इहदे परिवार दे घर वाले जी है, घर वाला भी नाल, इह घर वाला नाल जी नाल, इहनां पुलिस रिपोर्ट कराई भी है। खुशी महसूस हो रही? हां, बहुत ज्यादा, वी कुड़ी सफल होई है, कुड़ी अपने घर जा रही है, बहुत ज्यादा खुशी होई है जी। हांजी। उहनां दी धर्म पत्नी पिंकी सचदेवा भी पूरे आश्रम च दिलो जान नाल सेवा करदी है, जिहड़े मरीज आंदे आ उन्हां दा पूरा ध्यान रखिया जांदा। उन्होंने किया क्या सिटी हलचल नाल गल करदे हो, वह भी सुन लो। पिंकी जी, तुसीं भी अपने पति दा काफ़ी हद बटांदे हो आश्रम दे विच, काफ़ी मेहनत करदे हो सानूं पता जी जी, ते हुण अज जिहड़ी कुड़ी नवीं लैंदी सी, इह ठीक हो के जा रही है, क्या महसूस करदे हो? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਮੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਘਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਬਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਧਰ ਇਧਰ ਦੇਖਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ। ਸੁਨੀਲ, ਆਪਕੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਨਰਗਿਸ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਥਾ ਇਸਕੋ ਹੁਆ? ਦਿੱਕਤ ਥੀ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਥੀ? ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ। ਤੋ ਆਪ ਇਸਕੋ ਬਾਂਧ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਭਾਗ ਗਈ ਥੀ ਜੀ ਘਰ ਸੇ? ਇਹ ਜੀ
तो अब आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है? सही लगता है जी। हाँ, ले जा रहे हो आप? हाँ जी। ध्यान रखोगे आप इसका? हाँ जी। हुण वास्ते नहीं, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।